So इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर. मतलब कि यहाँ पे एक देख सकते हो सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, सिलेंडर उसके शेप में वेसल है. इसका जो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ये जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस मतलब कि ये जो सर्कल का शेप में, दैट मीन्स इट विल बी 2πr. सो 2πr का जो वैल्यू है इट इज़ गिवन एज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज, हाइट देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो गिवन है 25 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में गिवन है. नेक्स्ट अब हमसे पूछा क्या, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. देखो जब भी लीटर्स या होल्ड कैपेसिटी पूछता है तो हमें कहाँ पर जाना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, ठीक है. तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, नहीं तो हम बोल सकते हाउ मच इट होल्ड्स, दैट मीन्स कैपेसिटी पूछ रहा है, वो भी हमें लीटर्स में फाइंड आउट करना है. सो पहले देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकालना है. तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच, बट ध्यान से देखोगे यहाँ पे आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें पता है कि 2πr का वैल्यू हमें पता है. 2πr का वैल्यू क्या है, 132. देखो उसमें आर है ना, तो आर वहाँ से हम निकाल सकते हैं. सो 2πr विच इज़ नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस विच इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, 2 इंटू 22/7 इंटू दिस थिंग 20 इंटू आर इक्वल टू 132. यहाँ से आर क्या हो जाएगा 132, जो भी नीचे ऊपर चला जाएगा 7/2 × 22, ठीक है. यहाँ पे तुम कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 6 12 अगेन 6 11 6 11 2 देन 2 1 2 3 सो 3 × 7 विल बी 21 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द बेस आर हमें मिल गया. अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वेसल. सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉट, 22 × 7, ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इंटू 21 जो हमें अभी मिला था, स्क्वायर इंटू 25 हाइट. अब जैसे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे कैंसिलेशन आप कर सकते हो 7 1 7 3, बाकी कोई और कैंसिलेशन नहीं होगा. सो डायरेक्टली आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, जो यूनिट लिख रहे हो सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम का, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट किस में करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में. अब कैसे हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन है कि 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है. तो हमारे पास कितना लीटर से हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि वो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब है. अब हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है. सिंपल सी बात है, देखो इसको x ले लो. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू दिस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली x इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस थिंग, सो 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इससे शिफ्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने डिवाइड बताया, ठीक है, 34,650 / 1000. सो इसको आप सिंप्लीफिकेशन करने की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 3 0 नीचे है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 0 लगाओ, यहाँ पे हो जाए पॉइंट लगाओ. सो दिस विल बी 34.650 लीटर्स में हमें मिल जाएगा. तो ये हमारा जो वेसल का, जो सिलेंड्रिकल वेसल है जो हमारे पास था, उसका कैपेसिटी है, ठीक है.